हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो या आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में। तो आप उनके लिए कितने स्पेशल हो और उनकी लाइफ में आपकी क्या जगह है, क्या वैल्यू है, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल रेजोनेट ना करे। इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट, ओके। क्योंकि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, तो अपने आप को ज़बरदस्ती मैसेजेस में या रीडिंग में फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके व्यूअर्स। ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह है आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। रीडिंग की शुरुआत करते हैं व्यूअर्स, देखते हैं यहाँ पे, ओके देखते हैं कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो या आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में। सबसे पहला कार्ड जो आया है डेविल का आया है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मून कार्ड एंड वी हैव एट ऑफ वैंड्स, नाइस, क्वीन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। So here we have these cards, three of pentacles, eight of wands, interesting। देखिए सबसे पहले जो चीज़ यहाँ आई है, devil card आया है, उसको देखकर आपको कुछ negative सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि combination of cards जो होते हैं उनका मतलब बहुत ही अलग भी निकलता है। तो viewers यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी इंसान है, मुझे लगता है कि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये चीज़ साफ साफ नज़र आती है। इनकी एनर्जी थोड़ी सी पजेसिव और ऑब्सेसिव है। जिस पर्सन को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके दिल में या उनकी लाइफ में आपकी जो जगह है या आपकी जो वैल्यू है, वो इसीलिए भी कुछ ज़्यादा हो गई है कुछ समय से। हमेशा से आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा इनकी लाइफ में नहीं रही है, ये धीरे धीरे बढ़ के कुछ अचानक से ज़्यादा हो गई, और वो वैल्यू ज़्यादा हो गई ये इस वे में समझ लीजिए, या फिर ये ऑब्सेस आपसे ज़्यादा हो गए हैं या हो गई हैं। हुएवर दे आर, मेल फीमेल कोई भी हैं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपसे ना ऑब्सेस बहुत हो गए हैं, और ये ना आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, किसी और के साथ ना देख सकते, ना इमेजिन कर सकते। आप किसी और को ज़्यादा अटेंशन देंगे तो ये इंसान बहुत जेलस, बहुत पजेसिव फील करेंगे, ओके। वो उस टाइप के नहीं है, वो उस टाइप की नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को लाइटली लें। उनको काफ़ी ज़्यादा जेलेसी, काफ़ी ज़्यादा यू नो हैवी फील होता है अगर आप किसी और को अटेंशन देते हैं, या उनको डर लगने लगता है कि कोई और आपको इम्प्रेस ना कर दे, या कोई और आपको प्रपोज कर देगा तो आप हाँ ना बोल दो, या किसी और के ना हो जाओ। इन शॉर्ट उनको डर लगता है कि आप किसी और के ना हो जाओ, तो इस इंसान को आपको खोने से डर लगता है। इस इंसान को आपको खोने से डर लगता है का यही मतलब है व्यूअर्स कि ये इंसान के लिए आपकी इतनी वैल्यू है, या आप इतने स्पेशल हो, या आप इतने प्रीशियस हो, कि जैसे कोई इंसान अपनी प्रीशियस चीज़ को नहीं खोना चाहता, वैसे ही आपके ये जो पर्सन है वो आपको नहीं खोना चाहते या नहीं खोना चाहती या तो ऑब्सेशन भी है, एक तरह की पजेसिवनेस भी है कि कोई और आपसे ज़्यादा ना मिले, कोई और ज़्यादा आपको एंटरटेन ना करे, आप ज़्यादा टाइम किसी और के साथ स्पेंड ना करो, आप ज़्यादा अटेंशन और ज़्यादा केयर और ये सब किसी और के लिए ना करो, तो उसमें ये थोड़े जेलस होते हैं। तो क्योंकि आप इनके लिए स्पेशल हो, क्योंकि इनको डर भी है कि आप इनसे दूर ना हो जाओ या कोई और तीसरा आके आपको इनसे दूर ना कर दे, इस वजह से अपनी पजेसिवनेस के चलते भी ये इंसान जो है कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं कि जैसे जेलेसी को भी छुपा लेते हैं, ऐसा नहीं जेलेस है तो ओपनली दिख रहा है जेलेस है, लेकिन हाँ जेलेस होते हैं, गुस्सा भी बहुत आता है और ये आपको किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं करना चाहते, नो। तो इनका इनका ऑब्सेशन अचानक से ज़्यादा हुआ है, शुरू में इतना नहीं था लेकिन हाँ अचानक से इनका ऑब्सेशन ज़्यादा हुआ है। और आपकी जो प्रेजेंस है इनकी लाइफ में वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है सडनली, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस इंसान की नज़र में आप एक क्वीन और किंग के पोजीशन पे हो, ओके। आपने अपना ही क्राउन पहना है, अपने ही थ्रोन पे बैठे हो, यू आर लुकिंग पावरफुल कॉन्फिडेंट, यू आर लुकिंग डिवाइन, यानी कि आप पावरफुल कॉन्फिडेंट तो लग ही रहे हो, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दैवीय लग रहे हो, जैसे बहुत शक्तियाँ हैं आप में। ये कहने का मतलब ये है कि इस इंसान को ना आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत ग्रेस, बहुत एलिगेंस और बहुत ज़्यादा पावर और स्ट्रेंथ नज़र आती है। इस इंसान को आप बहुत चार्मिंग लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। तो क्योंकि ये आपके लुक्स को लेकर, आपके पर्सनालिटी को लेकर बिल्कुल क्रेजी है, ऐसा कह सकते हैं, दे आर जस्ट यू नो दे फॉल फॉर योर पर्सनालिटी और दे फॉल फॉर योर लुक्स। ऐसा हो सकता है कि आपको देखने से ही उनको इतना अट्रैक्शन हो जाता है, आपको देखने से ही उनको इतना प्यार हो जाता है, या कह सकते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है, जिस तरह के आप हो, उस चीज़ से ये इंसान कुछ एक्स्ट्रा इम्प्रेस हो गए। तो ऐसा कह सकते हैं आप इनके पार्टनर हैं या नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको एक क्रश की तरह देखते हैं, या फिर यू नो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह देखते हैं, एक स्टार की तरह देखते हैं, क्योंकि आप इनको बहुत अट्रैक्टिव भी लगते हो। आपका ड्रेसिंग सेंस है, आपका फेस है चार्मिंग है बहुत, या आपका ऑरा ऐसा है, यू नो देर इज़ समथिंग अबाउट यू, देर इज़ समथिंग अबाउट यू जो इस इंसान को हमेशा इंगेज्ड रखता है, यानी रोके रखता है, और इनका ध्यान भी कहीं नहीं जाता बिकॉज दे फाइंड यू अट्रैक्टिव, उनको आप ही बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। तो यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा है, ओके। आपके लुक्स के प्रति, आपके चार्म के प्रति, आपकी पर्सनालिटी के प्रति इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, यस। कहीं ना कहीं आप जैसे बातें करते हो व्यूअर्स, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल। उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप बातें करते हैं, जैसी बातें करते हैं, जितनी बातें करते हैं, या आपकी आवाज़ ऐसी है, या आप बातें कुछ ऐसी करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन इनको आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लगता है। यानी कि इस इंसान को लगता है कि आपसे बात करते रहें करते रहें करते रहें, या फिर आपकी बातें सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें चुपचाप। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये इंसान ना ओवरऑल आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस भी कह सकते हैं, या अट्रैक्टेड भी है बहुत ओवरऑल आपको लेकर, ऐसा भी लगता है। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा ना आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है दूसरी चीज़ों से, चाहे वो किसी और, कोई और आपका फ़ायदा उठाना चाहे, ये कोई और आपके करीब आना चाहे, ओके, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, या कोई और प्रॉब्लम हो सकती हो, पॉसिबिलिटी हो किसी प्रॉब्लम होने की, तो भी ये इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। तो पॉजिटिव तो है ही, लेकिन बहुत प्रोटेक्टिव भी हैं, आपको लेकर बहुत कंसर्न है। उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ पजेसिव है कि उनके ही रहो आप बस, उनको आपकी चिंता भी रहती है, वो सोचते भी हैं आपके बारे में, या सोचती भी हैं कि कोई इनका फ़ायदा ना उठा ले, कोई इनको इनको बेवकूफ़ ना बनाए, कोई इनसे अपना काम ना निकलवा ले, यू नो, या कोई इनसे बातें ना निकलवा ले, कोई इनसे सीक्रेट्स ना निकलवा ले इनके, या कोई कहीं ना कहीं इनका यू नो इनके सीधेपन का, या कहीं ना कहीं अच्छाई का कोई गलत फ़ायदा ना उठाए। तो ये इंसान किसी वे में तो आपको लेकर प्रोटेक्टिव भी है, और इस वे में भी प्रोटेक्टिव है कि कोई और आपको गलत इंटेंशन से कुछ गलत ट्रीट ना करे। तो ये जो इंसान है ये आपको लेकर प्रोटेक्टिव है, और इनको ऐसा लगता है कि ये अकेले ही सब कुछ हैंडल अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, सबको टफ फाइट दे सकते हैं वेर इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग यू, यानी ये अकेले सबसे झगड़ा कर लेंगी या झगड़ा कर लेंगे अगर बात आपको प्रोटेक्ट करने की आएगी, तो ये एक तरफा डिसाइड कर लेंगे कि इनको आपको ही प्रोटेक्ट करना है, इनको दूसरे लोगों के साथ चाहे कितना भी उनको टफ फाइट देना पड़े, दे आर रेडी। तो ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ये आपको हर परेशानी से बचा के भी रखना चाहते हैं, ये आपको हर संकट से, दुख से बचा के रखना चाहते हैं, और आपको कम्फर्ट और केयर
प्रोवाइड करना चाहते हैं या चाहती हैं, दे डोंट वॉन्ट यू टू बी इन एनी ट्रबल और सफ़र. ये नहीं चाहते कि आप बिल्कुल भी परेशानी में फंसें या थोड़ा सा भी सफ़र करें किसी भी चीज़ की वजह से, इमोशनली, फिजिकली, एनी हाउ. ये बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं प्योर इंटेंशंस के साथ. या यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान ना आपके लिए बहुत लोगों से झगड़ा कर सकते हैं. अगर इनको आपको प्रोटेक्ट करने के लिए या आपको अपनी लाइफ में पाने के लिए अगर कुछ अपने लोगों से झगड़ा भी करना पड़े तो ये कर लेंगे या कर लेंगी. या दैट काइंड ऑफ ऑब्सेशन और अट्रैक्शन. ये इंसान ऐसा नहीं है कि आपके लिए इमोशनल नहीं है, लेकिन ये साफ साफ दिखता है जितने भी ऑब्सेस्ड हैं, जितने भी पजेसिव और प्रोटेक्टिव हैं, जितना भी बहुत जेलस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, वो इन फीलिंग्स को ना हाइड करते हैं. बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं. अब इमोशनल का मतलब ये नहीं गुस्सा हो जाते, इमोशनल में ये भी आता है कि फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होना. अब लोग सोचते हैं इमोशनल होने का मतलब यही है कि ये दुखी हुए या रोए, सैड हो गए. नहीं, इमोशनल होते हैं लेकिन इनका इमोशनल होना अलग है. अगर इनको ऐसा लगता है कोई आपको इनसे दूर कर देगा या आप किसी और के हो जाओगे या आप इनसे दूर हो जाओगे, तो वो बहुत छुपा के रखते हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, कि पता ना चले आपको. वो जैसा भी फील कर रहे हैं वो उसको ना रिवील नहीं होने देते आपके आगे, उसे ना शो नहीं होने देते आपके आगे. ओके, तो उनके इमोशंस हैं और बहुत डाइवर्स हैं उनके इमोशंस. बहुत अट्रैक्टेड, एक्साइटेड और साथ ही साथ फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हैं कभी कभी, पर वो हाइड करते हैं उन चीज़ों को. साथ ही साथ जितना ये आपको लेके ऑब्सेस्ड है, जितना आपको लेके अट्रैक्टेड है, उसका शायद आपको 40-50% ही पता होगा. आपको ज़्यादा पता ही नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ज़्यादा ऑब्सेसिव या पजेसिव होकर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ये ज़्यादा पता चलेगा इनको, ज़्यादा जानेंगे ये कि मैं कितना ऑब्सेसिव या कितनी पजेसिव हूँ इनको लेकर, तो शायद ही अनकम्फर्टेबल फील करने लगे हैं आप व्यूअर्स. शायद आप अनकम्फर्टेबल फील करने लगो या आप एक एक आप थोड़ा स्केर्ड फील करो, थोड़ा वियर्ड फील करो कि ये अजीब सा नहीं है इतना पजेसिव होना, ये एक डिस्टेंस मेंटेन करो. तो वो इसीलिए ज़्यादा जो उनकी रियलिटी है, जितना वो सच में पजेसिव और ऑब्सेसिव और अट्रैक्टेड हैं आपको लेकर, उतना वो शो नहीं होने देते. साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैंने बताया ना आपको, जितना वो आपके प्रति हैं अट्रैक्टेड, उसका सिर्फ आपको 40-50% पता है. यू जस्ट नो 40-50%, लेकिन है इससे कहीं ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा है. ओके, या यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूवर्स कि ये जो इंसान है, ये आप इनके लिए इतने वैल्यूएबल हो या इतने इम्पॉर्टेंट हो, ऐसा कह सकते हैं कि ये कितने भी फ्रेंड्स के साथ हों, कितने भी ग्रुप में हैं, कितने भी सर्कल में हैं, फ्रेंड सर्कल है, वर्क सर्कल है इनका, ये कितने भी ग्रुप ऑफ पीपल में ये हैं, कहीं पर भी हैं, वर्क प्लेस हो या कुछ और, ये कभी भी इतना अच्छा फील नहीं करते, इतना एंटरटेन नहीं फील करते या इतना इन्जॉय नहीं करते जितना वो आपकी कंपनी में इन्जॉय करते हैं. यानी कि किसी के साथ भी उनको भेजो, किसी के साथ भी रखो, कितने भी लोगों के बीच उनको व्यस्त रखो, लेकिन उनको वहाँ मज़ा नहीं आता, ज़्यादा खुशी नहीं होती उनको. उनको अच्छा आपकी कंपनी में ही लगता है. और वो कितने लोगों के साथ भी हों, वो फिर भी आपके बारे में सोचते हैं. फिर भी कभी कभी ऐसा भी कह सकते हैं कि वो कहीं है, कहीं नहीं है, कहीं गए हैं, वहाँ पर चाहे कितने भी लोग हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है काश आप भी यहाँ पे होते तो ज़्यादा मज़ा आता, काश आप भी इनके साथ आए होते या इनके साथ होते तो ये ज़्यादा इन्जॉय करते. तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस को, आपकी प्रेजेंस को बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं. आपका प्रेजेंट होना उस जगह इनको खुश कर देता है, इनकी मोमेंट को बना देता है, इनका मोमेंट बनता है, इनका दिन बन जाता है, और जब आप प्रेजेंट नहीं हैं उस मोमेंट पे, उस सिचुएशन में, तो वो सब चीज़ें वो आपके बारे में सोचते सोचते करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि काश आप यहाँ होते. तो ऐसा लगता है कहीं भी बिजी हैं, कहीं भी इन्वॉल्व हैं, इनके दिल दिमाग में आप ही चल रहे हो, बैक ऑफ देयर माइंड, इन देयर हार्ट आप ही चल रहे हो, फिर वो चाहे कहीं भी कितने भी व्यस्त क्यों ना हो. या दैट्स व्हाट आई सी. यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स है जो मैं आपको बताती हूँ. ये डेट्स हो सकते हैं आपके या उनके बर्थ डेट्स या कोई और इम्पॉर्टेंट डेट्स.
6, 16, 26 ये कुछ डेट्स है व्यूअर्स जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपका या उनका कोई इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है। ओके आइए चलिए देखते हैं यहाँ पे आप लोगों के नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ अल्फाबेट्स हमने यहाँ पे लिए हैं। अल्फाबेट ए, जे, एच, एल, एफ, टी, ट्विन फ्लेम्स, ओके टी एफ एक साथ आ गया है, एम, एम एंड डब्लू, बी, एम डब्लू बी एक्स और ये टी एफ। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, चांसेस हैं शायद एक रनर एक चेजर वाली सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, तो ट्विन फ्लेम्स हैं पॉसिबल है। सो टी एफ एक्स बी डब्ल्यू एम एल एच जे ए ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं व्यूअर्स। ओके या सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपके सिचुएशन से कितने परसेंट रेजोनेट करती है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फैमिली, बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।